नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स, मैं हूं पल्लवी। बेहद फ्लैट शुरुआत आज बाजारों की हुई, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली काफी ज्यादा हावी हुई और इंट्राडे में निफ्टी 8600 के नीचे भी पहुंच गया। हालांकि क्लोजिंग आते आते कुछ बाजार में संभलने की कोशिश दिखी और निफ्टी लगभग 30 अंक गिरकर 8643 के लेवल्स पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 88 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली और 28065 के आसपास ये क्लोज हुआ। जुलाई में जो रिटेल और थोक महंगाई के आंकड़े आए उससे वो अनुमान से काफी ज्यादा थे, जिसकी वजह से मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ा और बाजार में गिरावट देखने को मिली। सबसे ज्यादा गिरावट जिन सेक्टर्स में रही उसमें टेलीकॉम शामिल है। टेलीकॉम इंडेक्स लगभग 0.2% नीचे रहा। वहीं आईटी और टेक शेयरों में भी काफी ज्यादा गिरावट रही। आरबीएस के इंफोसिस के साथ प्रोजेक्ट रद्द होने की खबर से शेयर में काफी ज्यादा दबाव हुआ और क्लोजिंग आते आते 1% नीचे इंफोसिस का शेयर बंद हुआ। वहीं एचसीएल, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, टीसीएस, ये सभी शेयर 1.5% से 2.5% नीचे बंद हुए। आज ऑटो पैक में भी काफी ज्यादा कमजोरी थी और लगभग 0.1% नीचे ऑटो इंडेक्स बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरने वाले ऑटो शेयरों में बॉश, टाटा मोटर्स, डीवीआर, मारुति अमाराजा बैटरीज शामिल हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट शेयरों में भी आज गिरावट रही। यूनिटेक का शेयर लगभग 16.5% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स, डेल्टा कॉर्प, इंडिया बुल्स रियल्टी, इन सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स भी आज कमजोर था और 0.5% की कमजोरी यहां पर दिखी क्लोजिंग पर। चढ़ने वाले सेक्टर्स की अगर बात करें तो मेटल्स में, ऑयल एंड गैस शेयरों में और कैपिटल गुड्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तेल गैस शेयरों में अगर कुछ नाम लें तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, एचओईसी, चेन्नई पेट्रोल शामिल है। मेटल शेयरों में आज खासतौर पर हिंडाल्को में अच्छी बढ़त देखने को मिली। हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याणी स्टील जैसे कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज बढ़त देखने को मिली। लेकिन असली एक्शन मिड कैप्स में था। सबसे ज्यादा तेजी वाले पिरामल एंटरप्राइजेस, डिवीज लैब, यहां पर इनफैक्ट नंबर्स आए थे डिवीज के और जिसकी वजह से इंट्राडे में उसने नया 52-वीक हाई बनाया और शेयर ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर बंद हुआ। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट आशीष केलकर भी मौजूद है। आशीष, आज जो मार्केट में ट्रेंड दिखा, कह सकते हैं कि एशियन क्रूज काफी कमजोर थे ओपनिंग, इस वजह से फ्लैट हुई। उसके बाद इन्फ्लेशन के जो नंबर्स आए एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा ऊपर थे और थोक महंगाई दर के भी जो आंकड़े हैं, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन, ये काफी ज्यादा अब ऊपर की तरफ आया है। कितना ज्यादा मार्केट इस पर रिएक्ट करेगी और अब बड़े ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद से जो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी, बाजार ने कहीं ना कहीं उस उम्मीद को एक तरह से कम कर दिया है कि अब शायद रेट कट इस साल में तो नहीं देखने को मिलेगा। गुड इवनिंग। एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अगर मैं बात करता हूँ तो मैं चार्ट के आधार पर बात करना पसंद करूंगा। अगर हम देखते हैं चार्ट निफ्टी का, अगर हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी में करीबन 7200 से लेके एक अच्छी खासी रैली आई थी जो कि करीबन 8650 तक गई थी। उसके बाद चार्ट के ऊपर निफ्टी पर कंसोलिडेशन होना चालू किया है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन चार्ट के ऊपर हो रहा है एक ब्रॉडर रेंज है इसकी। अगर मैं वीकली चार्ट, डेली या वीकली चार्ट दोनों रेफर करता हूं तो नीचे 8540 है और ऊपर की तरफ है 8750। तो ये 300 पॉइंट का एक बहुत बड़ा जो एक रेंज है, ये रेंज में मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। तो टेक्निकली अगर बात करते हैं तो इसके ऊपर या इसके नीचे ही कोई एक अच्छा खासा मोमेंटम हम चार्ट पर देख सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बने रहे मार्केट में, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मेरी ये सलाह होगी कि एक 8600 का लेवल है वो वॉच करें। अगर 8600 का लेवल टूटता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आएगा जो कि निफ्टी को करीबन 8540 तक भी लेके जाने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 8600 की लेवल वॉच करना है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको बने रहना है, पेशेंस विल डेफिनेटली पे ऑफ। जी, यानी कि 8600 का जो क्रूशियल लेवल है उसको क्लोजली वॉच करना होगा। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। दरअसल इसके पीछे वजह भी है, एबी ग्रुप का मर्जर प्लान फंसता हुआ दिख रहा है। एलआईसी और यूके के एबरदीन फंड का रुख अभी साफ नहीं है। एक तरह से नूवो और ग्रासिम का जो मर्जर है एलआईसी और एबरदीन के हाथ में। एबरदीन फंड और एलआईसी के पास ग्रासिम की लगभग 12% हिस्सेदारी है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म ने मर्जर के खिलाफ वोटिंग की सिफारिश की है और आमतौर पर एलआईसी प्रॉक्सी फर्म की सिफारिशों का समर्थन करता रहा। इनफैक्ट अगर स्टॉक परफॉर्मेंस भी देखें तो आज एबी ग्रुप के जितने स्टॉक्स हैं काफी ज्यादा गिरावट उनमें देखने को मिली। एबी नूवो लगभग 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। ग्रासिम में भी गिरावट देखने को मिली, साथ ही एबी मनी में भी 4% की गिरावट देखने को मिली है। कई एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि डील की खबर पहले ही लीक कर दी गई थी और इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, इस वक्त कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस वक्त फोनलाइन पर आनंद है जो कि मुंबई से है फोनलाइन पर। नमस्कार आनंद, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे पास 500 शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आई बॉट एट 1484 एंड इट इज फॉर अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से क्या मतलब है आपका, कितने महीने या कितने दिन आप रखेंगे इसे? आई बॉट इट अबाउट, मैं 2 वीक्स पहले मैंने लिया था एंड आई वॉज थिंकिंग दैट मैं 1 महीने के लिए होल्ड करना चाहता था।
हमें बताया जाए कि कितना दिन होल्ड किया जाए और क्या चांसेस है, वेरी हेल्पफुल। ओके आशीष, इनका जो बाइंग प्राइस है दैट इज अराउंड 1487 और बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं कि एक महीने ये इसको होल्ड कर सकते हैं, इन लेवल्स पे फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं और अगर वन मंथ के हिसाब से देखें तो क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे? डेफिनेटली, हालांकि इन्होंने एक अच्छा स्टॉक चुना है, लेकिन जिस प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है वो प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन के ऊपर की लेवल तक यहाँ पे उन्होंने बाय किया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर एक महीने का व्यू है और थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं ये इनका टाइम होराइजन, तो ये स्टॉक अच्छा खासा मुनाफा इनको दे सकता है। मैं मानता हूँ कि ये जो अभी फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है इसका नीचे का जो लेवल है वो है 1415 रुपये का, 1415। इसके ऊपर जब तक ये स्टॉक टिका है मुझे नहीं लगता कि बेयर स्टॉक को और नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे, उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगा। मैं मानता हूं कि 1410 का ये स्टॉप लॉस लगाए और ये स्टॉक होल्ड करे, अगले एक से डेढ़ महीने में अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो इनकी खरीदारी जो है वो करीबन 1480-1490 के बीच में है, कहीं तो 1510 का एक लेवल है, इनको वॉच करना है। अगर 1510 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आए तो जो स्टॉक इनके पास है इसमें और क्वांटिटी ये ऐड कर सकते हैं, दैट विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट जो कि स्टॉक को करीबन 1600 रुपए तक भी लेके जा सकता है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी, 1410 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर लगाएं। राइट, यानी 1443 पर फिलहाल आज क्लोज हुआ है, पर 1410 का एक स्टॉप लॉस आप इस सौदे में लगा सकते हैं, फिलहाल बने रहने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, विवेक कोलकाता से जुड़े हैं। नमस्कार विवेक, बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? नमस्कार मैम, मैं सन फार्मा लेके रखा हूँ 3000 एट अ प्राइस ऑफ 846। ओके, इंट्राडे का सोचा था लेकिन प्राइस आया नहीं, जब से लिया दाम नीचे जाते जा। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं? हार्डली 2 वीक्स हो चुके हैं। कितने दिन हो चुके हैं सर? नहीं, 2 हफ्ता हो चुका है। 2 वीक्स हो चुके हैं, इंट्राडे के लिए इन्होंने लिया था लेकिन इनकी बाइंग से काफी नीचे आ गए। फिलहाल क्या सलाह रहेगी आशीष सन फार्मा पर? और आज इनफैक्ट इसमें 2.5% की गिरावट भी देखने को मिली है। सही है, इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसने पिछले मतलब अगर फ्रॉम द मंथ ऑफ जून में इसने करीबन 700 रुपए के लेवल को टेस्ट किया था और वहां से वो करीबन 850-860 के लेवल को इसने छुआ और 860 से लेके ये स्टॉक एकदम नोज डाइव करके ये स्टॉक हेवी वॉल्यूम के साथ नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जहां पे ये स्टॉक मैं देख रहा हूं यहाँ पे एक आशा की किरण मुझे दिखाई दे रही है और ये जो आशा की किरण है वो मेरे चार्ट पर जो मैं देख रहा हूँ वो है करीबन 730। थोड़ा डीप डाउन है ये लेवल, लेकिन अगर ये चांस लेना चाहते हैं तो 730 तक अगर होल्ड करने की इनकी कैपेसिटी है मेंटल एज वेल एज फाइनेंशियल तो इनको होल्ड करके रखना चाहिए। ये स्टॉक अगर वहाँ नीचे टूटता है तो वो सीधा करीबन सिंसियर अपोलॉजी नॉट 730, आई वांट टू रेक्टिफाई करना चाहता हूँ ये प्राइस 755 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो वो सीधा 700 रुपए को छूता हुआ नजर आएगा। तो इंट्राडे के हिसाब से लिया था, इसका मतलब एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पोजीशन है इनका, तो 755 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे और जो पुल बैक अगर इस स्टॉक में आता है तो उसमें से निकल जाने की सलाह होगी। ऑलराइट, फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दी जा रही है लेकिन लेवल्स आप क्लोजली वॉच करते रहें। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है, ये योगेश ने भेजा है बेंगलुरु से और वेदांता है इनके पास, लगभग 100 शेयर्स है, 143 लेवल्स पे इन्होंने खरीदे हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लिया। इनफैक्ट आज मेटल पैक काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था, खासतौर पर वेदांता समूह के शेयर्स वो काफ़ी ज़्यादा आज चमक रहे थे। इन लेवल्स पर क्या करें, क्या मुनाफा वसूली करने का ये सही समय है या फिर आपको लगता है अभी थोड़ा सा और यहाँ पर रुकें, फर्दर अपट्रेंड इसमें देखने को मिलेगा? हाँ, फर्दर अपट्रेंड डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है और उसके पीछे एक अच्छी खासी रैली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट हमें मिलता है तो जो चार्ट पर लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो करीबन 210 रुपए तक ये स्टॉक जाने की संभावना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है। ये ब्रेकआउट हमें कब मिलेगा, तो अगर स्टॉक प्राइस 175 के ऊपर क्लोज होती है तो हमें ब्रेकआउट मिलेगा ऐसे हम मानेंगे, और इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा रिसेंटली जो सारे बॉटम्स बनाए गए उस बॉटम के नीचे मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और ये स्टॉप लॉस करीबन 158 का नजर आ रहा है, तो 158 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाए, 175 के ऊपर और स्टॉक ऐड करें, 210-220 के टारगेट इस स्टॉक पे नजर आएंगे। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं इस बीच दीपक जम्मू एंड कश्मीर से। नमस्कार दीपक, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हाँ मैडम, मेरे पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के 500 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 79.50। ओके, मेरा नजरिया 6 मंथ के अप्रोक्सीमेटली है, क्या बता सकते हैं मुझे ये रखना चाहिए
और सिक्स मंथ्स में से आप ऑलरेडी कितने समय से इसको होल्ड कर रहे हैं दीपक? अभी मुझे 2 मंथ हो गए हैं। ओके फाइन, ऑलराइट। मीडियम टर्म कह सकते हैं इनका नजरिया, और आज अच्छी तेजी भी दिखी है, लगभग 72 और लेवल्स पे क्लोज हुआ है, इनकी बाइंग 80 के अराउंड है। ऊपरी स्तरों पे इन्होंने खरीदा, लेकिन आपकी सलाह क्या रहेगी 6 मंथ्स के लिहाज से? जैसा आपने सही फरमाया कि ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी हुई है, ये चार्ट अगर इनका 6 महीने का नजरिया है तो मैं वीकली चार्ट रेफर करना चाहूंगा। वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूं तो एक बहुत बड़े फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है, ये प्राइस और टाइम दोनों करेक्शन यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो प्राइस करेक्शन हो रहा है उसमें जो बॉटम्स बन रहे हैं, ये बॉटम का अगर मैं सारे बॉटम्स कनेक्ट करके एक लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो अभी हम फिलहाल स्टॉप लॉस के बहुत नजदीक है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना मुनासिब होगा। 69 ये एक ऐसा लेवल है जिसको इनको होल्ड करके, जिनको वो क्लोजली वॉच करना है। 69 के ऊपर अगर ये स्टॉक उसके नीचे क्लोज होता है तो इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल वापस आगे नजर आएगा, तो फिलहाल होल्ड करें, 69 का स्टॉप लॉस लगाएं। और मैं मानता हूं कि अगर 69 ये होल्ड करता है तो एक पुलबैक रैली जो आएगी वो करीबन 85-86 तक ये स्टॉक को लेके जा सकती है, तो होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 69। राइट, तो 69 और लेवल्स पे इनफैक्ट इसने अपना लो टच किया था, 62.40 के आसपास फरवरी की बात है, और ये ऑलरेडी भी 106 के लेवल्स दिखा चुका है, वहां से रिट्रेस होकर यहाँ पे आया था, लेकिन फर्दर आपको कॉशियस रहने की सलाह इसमें दी जा रही है। अगले दर्शक है सचिन, नागपुर से जुड़े हमारे साथ। नमस्कार सचिन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने मेघमनी ऑर्गेनाइज से 3 शेयर लिए है 44 के रेट से। ओके, और रिजल्ट आने के बाद में ये फिर डाउन डाउन चल रहा है, अभी 39 समथिंग है। आप इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए आपने खरीदा है या फिर आप छोटी मतलब कितने समय के लिए आपने निवेश किया है इसमें? मेरा दिवाली तक का नजर रहता है, 3-4 महीने का। ठीक है ठीक है, अक्टूबर के अराउंड की बात कर रहे हैं, बहुत लंबा नजरिया नहीं है। आज इसमें लगभग 5% की गिरावट भी रही है। पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल कारोबार की एक कंपनी है, इनकी जो बाइंग है 45 और लेवल्स पर है, क्या सलाह रहेगी इनकी दिवाली तक, कहाँ तक के टारगेट्स आप देख रहे हैं, और इनफैक्ट अगर कोई स्टॉप लॉस इन्हें लगाना हो आशीष तो किस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाएं? अगर हम इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो इसने एक अच्छे रैली के बाद में एक स्टीप फॉल चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है, और ये जो फॉल हो रहा है इस फॉल में वॉल्यूम्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये एक चिंता की बात मुझे सता रही है। बाकी शैडो इंडिकेटर्स अगर मैं देखता हूँ चार्ट के ऊपर तो वो उतने निगेटिव नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जिस तरह से है उस तरह से मैं थोड़ा इसके ऊपर कॉशियस रहना चाहूंगा। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, ये स्टॉप लॉस है करीबन 36.5 का। अगर ये स्टॉक 36.5 के नीचे आता है तो एक बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक में आता हुआ नजर आएगा, जो कि 10-12% का फॉल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि 36.5 का स्टॉप लॉस लगाए, और एक पुलबैक इतना बड़ा जो फॉल हुआ है 49 से लेकर 39 तक, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट तो इस स्टॉक में आना जरूरी है, एक पुलबैक आना जरूरी है, तो पुलबैक में अगर कोई अच्छा प्राइस मिलता है तो निकल जाए, वरना स्टॉप लॉस ऑफ 36.5 का लगा के रखें। ऑलराइट, अगले दर्शक है निसाम अली जो इस वक्त प्रतापगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार मिस्टर अली, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन एसएमएस के जरिए भी उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। ज्योति लैब्स की बात करें, 50 शेयर्स इनके पास, लगभग 290 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदे हुए, थोड़ा कह सकते हैं माइनर लॉस इनको हो रहा है 7 रुपये प्रति शेयर, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी कम है 50, तो अगर इन्हें कोई पोजिशन चेंज करनी हो या कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो आशीष तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? अगर हम ओवरऑल इस चार्ट को देखते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक ने नहीं दिया है, तो मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में अगर उनको बने रहना है, अगर ये स्टॉक उनको होल्ड करके रखना है तो एक स्टॉप लॉस लगाए 278 का, लेकिन अगर ये स्टॉक से निकल जाना चाहते हैं तो वो बेहतर रहेगा। मैं मानता हूं कि स्टॉक से निकलना ही बेहतर होगा, और इनको ये जो पैसा इनमें से निकल आएगा वो पीईएल पिरामल एंटरप्राइजेस में निवेश करें। ये जो स्टॉक है पिरामल पीईएल, ये अच्छा खासा हायर एंड ऑफ हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, और अच्छी खासी रैली इसके आगे भी इसमें दिखाई देगी, तो ये निवेश जो यहाँ पे किया है उसमें निकाले और पिरामल एंटरप्राइजेस में डाल दे, ये मेरी सवाल। राइट, क्योंकि आपको नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 7 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को आप बुक कर सकते हैं पिरामल इंटरप्राइज, जो आज काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी दिखी, लगभग 5% से ऊपर इनफैक्ट इंट्राडे में यहाँ पर आज रिटर्न्स आए हैं, तो आप इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, ये एक्सपर्ट का मानना है। लेकिन जी बिजनेस पर लगातार हम पूरे दिन आपको ऐसे कुछ शेयर्स बताते हैं जहाँ पर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, मेरे सहयोगी अंशु वो लिस्ट लेकर आती हैं शाम को। अंशु बताइए आज कौन से स्टॉक्स हमने बताए जहाँ हमारे दर्शकों को मुनाफा हुआ?
जी शुक्रिया। मुनाफे के वो तीन कॉल जिन्होंने आज के सत्र में दिया है जबरदस्त रिटर्न, उनमें पहला शेयर होगा सुंदरम फास्टनर्स का। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था और टारगेट्स तो इस शेयर ने अपने हिट किए ही किए हैं। 238 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर खरीदारी की सलाह दी गई थी। टारगेट हिट करते हुए आज के सत्र में 8% का इस शेयर ने रिटर्न दिया है। मेरा अगला शेयर भी फास्ट 50 से है, दीप इंडस्ट्रीज। इस शेयर ने भी अपने टारगेट्स अचीव करते हुए आज के सत्र में करीब करीब 6.5% का रिटर्न दिया है। और आखिरी शेयर होगा मुनाफे की इन तीन कॉल्स में हमारा आज का सुपर शेयर, जो कि है PPAP ऑटो का। आज के सत्र में इस शेयर ने दिया है करीब करीब 5% का रिटर्न। जी, तो तीन स्टॉक्स आपको अलग अलग सेगमेंट में बताए गए और वहाँ पर आपको शानदार मुनाफा हुआ, लेकिन ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं, ऐसी कौन सी कॉल्स हैं जहाँ पर आप अगले दिन मुनाफा कमा सकते हैं? अंशु बताइए वो पांच स्टॉक्स कौन से हैं? जी, मेरा पहला शेयर होगा वॉकहार्ट का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं और मुनाफे में दबाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि ऑपरेटिंग मार्जिन गिरने के चलते, साथ ही साथ अधिक R&D खर्च के चलते मुनाफे में दबाव देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन 14.50% से गिरकर 7.80% हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। मानस जायसवाल बेयरिश हैं शेयर को लेकर, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 800 के स्टॉप लॉस लगाकर। आप इस शेयर पर बिकवाली करके चलिए, 740 रुपीज़ का इस शेयर पर आप टारगेट रख सकते हैं। मेरा अगला शेयर होगा टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स को लेकर S&P ने रेटिंग अपग्रेड की है और ये रेटिंग PP से बढ़ाकर PP+ की है। मानस जायसवाल बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 499 के स्टॉप लॉस के साथ। इस शेयर पर आप खरीदारी करके चलिए, टारगेट आप रख सकते हैं 525 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, मुनाफे की बात करें तो मुनाफे और आय दोनों में बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी के मुनाफा 1,366 करोड़ से बढ़कर 1,800 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। आय की बात करें तो 4,690 करोड़ से आय बढ़कर 6,120 करोड़ हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेहतर नतीजों के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली और ये शेयर में तेजी आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। शेयर ने आज अपना अब तक का ऊपरी स्तर छुआ है और इशू प्राइस से अब तक शेयर ने 250% का रिटर्न दिया है। मानस जायसवाल काफी बुलिश हैं शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह होगी 184 के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर आप दाव लगाइए, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 174 रुपीज़ का। मेरा अगला शेयर होगा BPCL का। BPCL इसके अलावा HPCL, IOC तमाम OMC शेयरों में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल के दाम में ₹1 पर लीटर की कटौती की गई है। डीजल की बात करें तो ₹2 पर लीटर की कटौती डीजल में की गई है। तो तमाम OMC शेयरों में आज के सत्र में तेजी थी। BPCL पर प्रदीप सुरेखा बुलिश हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 608 रुपये के टारगेट्स के लिए। इस शेयर पर खरीदारी करके चलिए, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 582 रुपये का। मेरा आखिरी शेयर होगा इंफोसिस का। आज के सत्र में इंफोसिस को काफ़ी झटका लगा है और RBS ने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है। इंफोसिस को RBS ने जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, रद्द होने से 3,000 कंपनियों के कर्मचारी को हटाना पड़ेगा। इंफोसिस अब 3,000 कर्मचारियों को हटाएगी। बड़ा झटका था इंफोसिस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ है और प्रदीप सुरेखा का ऐसा मानना है कि ये शेयर में बिकवाली आगे भी जारी रह सकती है। प्रदीप सुरेखा बेयरिश है शेयर को लेकर, बिकवाली की सलाह होगी इंफोसिस के शेयर पर। बिकवाली करके चलिए, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1,070 रुपये का, टारगेट आप रख सकते हैं 1,020 रुपये का। जी, तो आपको तमाम स्टॉक्स बताया अंशु ने जहां पर कल आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। इसके पीछे की खबरें भी बताएं कि कहां पर नतीजों का असर दिख सकता है, साथ ही कुछ बड़े कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स और साथ ही कंपनीज जुड़ी भी खबरें। लेकिन अब एक कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। इस वक्त गौतम है हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर हरियाणा से। नमस्कार गौतम, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? नमस्कार मैम। जी बताइए गौतम। मैम मेरे पास रेन इंडस्ट्रीज के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 46 रुपीज। ओके, ये एक साल पहले मैंने लिए थे, अभी इनको एक साल और रख सकता हूँ, इस पे नजरिया बताइए। ऑलराइट, ये जो चुनाव आपने किया इसके पीछे किसी एक्सपर्ट की सलाह रही या फिर आपने खुद से इसको चूज किया, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में और भी कई बड़ी कंपनियां हैं लेकिन आपने रेन इंडस्ट्रीज को चुना?
ये मैम बस ले लिया। चलिए, एक साल से इसको होल्ड कर रहे हैं, 46 लेवल्स पे इन्होंने खरीदा था और ये ऑलमोस्ट 39 के लेवल्स पे आज क्लोज हुआ है। हालांकि आज इसमें तेजी रही है, लेकिन अगर इसका हम चार्ट देखें तो पिछले अगस्त में यानी कि एक साल पहले 49 ऑड लेवल्स पर इसका हाई रहा है, यानी कि इन्होंने हाई लेवल्स पे ही खरीदा है। क्या करना चाहिए, वहां से तो काफी रिट्रेस हो चुका है। इनफैक्ट इसने 26 रुपए का अपना लो भी टच किया था इसी साल फरवरी में, वहां से कुछ अपट्रेंड दिखा, लेकिन फर्दर आपको क्या लग रहा है इन लेवल्स पर, अब यहाँ से निकले या थोड़ा टाइम बने रहे आशीष? इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले करीबन मतलब 2010 से लेके अभी तक ये कंप्लीट साइडवेज ट्रेंड में नजर आ रहा है थोड़ा। हालांकि इसका जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना आउट परफॉर्मेंस इस चार्ट पर नहीं दिखाई देगा, तो मैं मानता हूँ कि इस स्टॉक में से तुरंत निकल जाना अच्छा रहेगा। सीमेंट में ही अगर इनको निवेश करना है, सीमेंट सेक्टर में इनको अगर निवेश करना है तो मंगलम सीमेंट एक अच्छा निवेश इनके लिए साबित होने की संभावना है। फिलहाल ये जो स्टॉक है अगर हम वीकली चार्ट भी देखते हैं या तो एक अच्छा खासा रैली आज इस स्टॉक में दिखाई दिया है। करीबन जनवरी 2015 में जो टॉप बनाया था इस टॉप के ऊपर ये स्टॉक हमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये अभी एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है, ब्लू ओपन स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक जाने की संभावना है। तो अभी जो निवेश रेन इंडस्ट्रीज में है वो निकाले और मंगलम सीमेंट में निवेश कर सकते हैं। इनफैक्ट आज उसका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा था। स्मॉल कैप की ये सीमेंट कंपनी से जुड़ी हुई, सीमेंट कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी, और लगभग 9% की तेजी के साथ आज ये क्लोज हुआ है। तो दूसरा विकल्प आपको दिया गया रेन इंडस्ट्री से निकल कर इसमें आप निवेश कर सकते हैं। अगले दर्शक है सत्यजीत, हमारे साथ मैसूर से जुड़े हैं। गुड इवनिंग सत्यजीत जी, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम जी। मैडम राणा शुगर्स 5000 शेयर लिए है 16 रुपए में। तो सर कितने समय के लिए आप इसमें निवेश किया हुआ है आपने, क्या इंट्राडे के लिए? 2 महीने तक रुक सकता हूँ मैडम। ओके, इनके पास क्वांटिटी अच्छी खासी है आशीष, 5000 शेयर्स हैं और लगभग 15 रुपीज के आसपास इन्होंने निवेश किया है। आज क्लोजिंग 4 रुपए नीचे हुई है, नुकसान में है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसमें से तुरंत एग्जिट होना ही अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो वो निकलना ही अच्छा है। फिलहाल अगर कोई भी शुगर स्टॉक देखते हैं तो उसमें सेलिंग प्रेशर ही बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बलराम चीनी एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे एक अच्छी खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके लिए जो अभी खरीदारी कर करीबन 112 के लेवल पे ये स्टॉक है, 106 का स्टॉप लॉस लगाए और लक्ष्य होगा करीबन 126 का। तो यहाँ से निकल जाने की आपको सलाह है राणा शुगर से, फिलहाल जो आपको नुकसान हो रहा है उसको आप बुक कर लें, निकल जाने की सलाह दे रहे हैं आशीष। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, मनोहर मुंबई से। नमस्कार मनोहर, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, एक्चुअली मैंने मोरपेन लैब का शेयर लिए थे 4300 एट द एवरेज रेट ऑफ 26 रुपीज। ओके, आपने अलग अलग लेवल्स पे इसमें खरीदारी की है? हाँ मैम। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैम ये मैं जानना चाहता था कि कब तक मैं होल्ड रखूं या क्या करना है कि आपका जो बाइंग प्राइस है वो आप अचीव कर पाए। इस वक्त नुकसान में भी हैं, इनफैक्ट इसने अपने हाईज देखे थे आशीष जनवरी में ऑलमोस्ट 41 ऑड लेवल्स तक के गया था, वहां से रिट्रेस हुआ है और अब 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। क्या सलाह रहेगी इनको, कब तक होल्ड करके रखना चाहिए इनकी बाइंग प्राइस तक एटलीस्ट पहुंच पाए? मुझे लगता है कि इस स्टॉक में से उनको तुरंत निकल जाना चाहिए, जो कुछ भी लॉस है वो तुरंत बुक करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में वही आदमी पैसा कमाता है जो लॉस बुक करना सीखता है, तो अभी फिलहाल जो कुछ भी लॉस है वो लॉस पहला बुक करे। जो कुछ भी पैसा आएगा वो मैंने पहले कुछ देर पहले कहा था कि इसी सेक्टर में से वो स्टॉक है पिरामल, उसमें वो निवेश करे, तो जो लॉस यहाँ पे हो रहा है वो वहाँ पे रिकवर होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा, तो निकल जाने की सलाह होगी।